हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज हम मिरर एंड लेंस की सेकंड क्लास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और साथ ही साथ हम कुछ रूल्स और कुछ डायग्राम्स पढ़ेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ाया, जिसमें मैंने आप लोग प्लेन मिरर में बताया था कि एक इंसिडेंट रे होती है जो टकरा के रिफ्लेक्ट करती है नॉर्मल के साथ, और कैसा उनका पॉइंट रहता है। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम लिखिए बच्चों, हाँ जी, पहले तो आप वो लिख लो, रिफ्लेक्शन जो हुआ था ना, पहले लिख लो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखिए बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखेंगे। पहला, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखिए, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। हिंदी वाले लिखेंगे, ठीक है, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ठीक है। अगला, पहला नियम, पहला नियम लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर पाए जाते हैं, तीनों एक ही समतल पर पाए जाते हैं। दूसरा लॉ, दूसरा लॉ इंग्लिश वाले, सेकंड लॉ, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी वाले, दूसरा नियम, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा, परावर्तन कोण हमेशा आपतन कोण के बराबर होगा, आपतन कोण के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं, एक बार और बता दूं कि जैसे कि हमने ये पढ़ा कि भाई मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है बच्चों, और ये रे ऐसे आई, तो ये इंसिडेंट रे जहां पे भी होगी वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है, और ये एंगल आई बना देगा, और फिर उतने ही एंगल पे ये एंगल आर बना देगा। तो चलो, ये तो एंगल बना के आई तो उधर मुड़ गई, लेकिन मान लीजिए केस फर्स्ट कि अगर प्लेन मिरर पे, अगर प्लेन मिरर पर रे डायरेक्ट ऐसे आ जाए, नॉर्मल के थ्रू आ जाए, किसके थ्रू आ जाए, नॉर्मल के थ्रू आ जाए, तो क्या होगा? तो बच्चों, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, टकरा के वापस चली जाएगी, तो आंसर है नो रिफ्लेक्शन, ठीक है, नो रिफ्लेक्शन, कोई परावर्तन नहीं, कोई परावर्तन नहीं, ठीक है बच्चों, कोई परावर्तन नहीं होगा, ठीक है। इट मींस कि जो इंसिडेंट रे होनी चाहिए, इंसिडेंट रे होनी चाहिए वो 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अगर इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर है तो याद रखना रे टकरा के उसी डायरेक्शन से वापस हो जाएगी, यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। और रिफ्लेक्शन अगर होगा तो कितने पे होगा बच्चों? 0 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा? 0 डिग्री पे। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि बच्चों अगर रे इंसिडेंट रे नॉर्मल के थ्रू आए, किसके थ्रू आए? नॉर्मल के थ्रू आए, तो बच्चों उसका रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पर होगा? तो बच्चों रिफ्लेक्शन 0 डिग्री पर होगा। कितने पर होगा? 0 डिग्री पर होगा, ठीक है बच्चों। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, फिर एक टॉपिक लिखवाता हूं आपको।
हाँ जी बच्चों, टॉपिक लिखिए, टॉपिक लिखिए। लिखेंगे द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर, द पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर। हिंदी वाले, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति लिखिए। लिखिए द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड द साइज ऑफ इमेज, एंड द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इक्वल टू दैट ऑफ, इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट। अगली लाइन में लिखेंगे, अगले में लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर, द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस, इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। हिंदी वाले लिखिए समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब, समतल दर्पण समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, जिसका आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगले लाइन में लिखेंगे, अगले लाइन में लिखेंगे समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब, समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब समतल दर्पण पर बनने वाला प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर स्थित होता है, उतनी ही दूरी पर स्थित होता है, उतनी ही दूरी में पर स्थित होता है जितनी दूरी पर, जितनी दूरी पर वस्तु 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 दर्पण से होती है, दर्पण से होती है। चलो अब जरा ये देख लो बच्चों, हाँ जी ध्यान से देखिएगा बच्चों। मान लीजिए अब जैसे इमेज फॉर्म्ड बता रहा था ना मैं, इमेज कैसे फॉर्म होती है, तो देखो जैसे मान लो बच्चों ये आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, मतलब जिसके ऊपर इमेज को फॉल कराया जाता है या देखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा तिरछा सा लग रहा है मेरे को, ये हो गया ना, ठीक है। मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां पर एक ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है बच्चों। अब जैसे कि भाई इसमें से एक रे जाएगी, एरो, ठीक है, एक रे इसी के साथ साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जाएगी। अब ये याद रखना बच्चों कि ये पैरेलली ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है,
ठीक है, तो जितनी दूरी पर बच्चों ऑब्जेक्ट है मिरर से उतनी ही दूरी पर कौन होगा, उतनी ही दूरी पर इमेज होगा किससे भाई, मिरर के पीछे, कहां पे, मिरर के पीछे, ठीक है, और किसी भी एंगल से देख लो वो वैसा का वैसा ही दिखेगा, किसी भी एंगल से देख लो वो आपको वैसा का वैसा ही दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान देना कि बच्चों अभी बोला गया ये ऑब्जेक्ट और ये कौन है इमेज, ए डैश बी डैश, ये कौन है इमेज। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बताया हमने कि बच्चों यहां पर, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मिरर से इतनी दूरी पे, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे इमेज भी रखा हुआ होगा, उतनी ही दूरी पर इमेज भी रखा हुआ होगा, ठीक है बच्चों, उतनी ही दूरी पे इमेज भी रखा हुआ होगा, और साथ ही साथ जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज का क्या होगा, इमेज होगा, लेकिन जो इमेज बनेगा वो मिरर के पीछे बनेगा। तो मिरर के पीछे ये नहीं है, मिरर के पीछे कहने का मतलब है कि जो मिरर है उसके पीछे किस तरह का वर्चुअल इफेक्ट के साथ, किसके इफेक्ट के साथ, वर्चुअल इफेक्ट के साथ, पीछे मतलब ये नहीं कि आप शीशा पलट के देखो उसके पीछे आपकी इमेज बन रही है, ऐसा नहीं है। तो मिरर इमेज का यहाँ पे वर्चुअल इमेज का मतलब है कि मिरर के अंदर ही पीछे की तरफ, जैसे आप मिरर में अपने आप को देखो तो आपको कैसा दिखेगा कि मान लीजिए आपके मिरर है, मिरर के बीच में कोई सामान है, फिर आप खड़े हैं, तो जब आप मिरर में अपनी इमेज देखेंगे तो क्या देखोगे आप कि उसमें भी ऐसी होगा कि मिरर के बीच में पहले एक सामान होगा, सामान के पीछे आप खड़े होंगे। तो इस तरीके से बच्चों इससे यह पता चलता है कि प्लेन मिरर जितनी भी इमेजेस बनाता है वो कैसे बनाता है बच्चों, वर्चुअल बनाता है एंड इरेक्ट बनाता है, ठीक है, आभासी और सीधी बनाता है, कैसी बनाता है, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, कैसा बनाता बच्चों, आभासी और सीधा। तो इस प्रकार से हम लोगों को भाई ये कोर्स, ये टॉपिक खत्म करना था और ये हमने कर लिया। अब इसके बाद मैं आपको स्फेरिकल मिरर पे लेके चलता हूं, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए नोट हो गया होगा, लिखिए लिखिए, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण, ठीक है बच्चों, और स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर जिसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, मैंने बता दिया ये सब पहले ही, हिंदी में बोलते हैं इसको अवतल दर्पण, और दूसरा नाम है इसका अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, ठीक है जी, अभिसारी दर्पण, ठीक बच्चे। अब क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, हाँ जी ध्यान से सुनेंगे, क्या तो इसके अंदर अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लो बच्चों। ये आपके सामने कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर को जब एक इनविजिबल लाइन, एक इनविजिबल लाइन बीचों बीच काटे, इनविजिबल लाइन मतलब क्या, हमें पता नहीं है लेकिन ये होता है, ये हमें दिखेगा नहीं लेकिन असल में ऐसा होता है, एक इनविजिबल लाइन काटे तो इस लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में कहा जाता है मुख्य अक्ष, क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष, ठीक है। अच्छा, अब मिरर को और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर भी कट करे उसे बोला जाता है पोल, क्या बोला जाता है, पोल, हिंदी में बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव, और किससे डिनोट किया जाता है, पी से, किससे डिनोट किया जाता है, पी से। फिर पी के आगे कोई एक पॉइंट है जिसे कहा जाता है फोकस, क्या कहा जाता है, फोकस, हिंदी में भी कहते हैं फोकस, ठीक है, मतलब क्या कि जहां पर वो रेज को पॉइंट करती है, जहां पर रेज को क्या करती है, पॉइंट करती है, तो उसे कहा जाता है फोकस। और ये हर मिरर की अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार फोकस बदलता रहता है, किसी का ज्यादा होता है किसी का कम होता है, तो जैसा मिरर होगा वैसा फोकस होगा, ठीक है भाई, चेंज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगला, जितनी दूरी पे एफ है, कौन, एफ किससे, पी से, जितनी दूरी पर एफ है
उतनी ही दूरी पे, मतलब अगर मैं ध्यान दूं तो मैंने क्या देखा कि पी पोल ध्रुव, ठीक है बच्चों, और कुछ दूरी पर होता है फोकस, और ये फोकस है तो मतलब क्या होगा बच्चों, ये कुछ ना कुछ तो दूरी पर होगा, और जो भी दूरी पर होगा वो होता है एफ, मतलब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब क्या भाई, फोकल लेंथ मतलब क्या, फोकस दूरी, फोकस दूरी, ठीक है बच्चों। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी पी से लेके एफ के बीच का डिस्टेंस, पी से लेके एफ के बीच का डिस्टेंस फोकस दूरी कहलाता है, फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। अब जितनी दूरी पर आपका एफ है किससे, पी से, उतनी ही दूरी पर, उतनी ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट होता है सी, जिसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो बच्चों जरा ध्यान से सुनना, वक्रता केंद्र, बच्चों सेंटर हम लोगों ने सबसे पहले कहां पे पढ़ा था, कहां पे पढ़ा था कि भाई सेंटर होता है, तो बच्चों सेंटर सबसे पहले हमने पढ़ा था सर्कल में, और आपने क्या देखा था कि अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं कंपस से, किससे, कंपस से, तो आप क्या देखेंगे कि आपको एक कंपस खोलना है, कहीं पे भी सेंटर क्रिएट करना है और कंपस को घुमा देना, ऐसे ही करते थे, मान लो ये सेंटर है, कंपस रखा और भाई ऐसे घुमा दिया, आपका सर्कल तैयार, आपका सर्कल तैयार, यही है। तो बच्चों यही है आपका सी, यही है आपका कौन, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे पता है कुछ नहीं करना आपको, यहां पे कंपास रखना है और यहां पे अपने पेंसिल, और जब घुमाओगे ना तो बच्चों ये पता है पूरा का पूरा बिल्कुल ऐसे करके, पूरा का पूरा ऐसे करके एक सर्कुलर गोला बना देगा। वो बात अलग है, अभी मेरा थोड़ा अजीब सा बन रहा है, कहीं से भी ये गोल लग ही नहीं रहा, लेकिन बच्चों जब आप प्रैक्टिकल यानी कि फिजिक्स लैब में जाके ये प्रैक्टिकल करेंगे तो 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या बना देगा, सर्कल बना ही देगा, ठीक है। तो बच्चों जितनी दूरी एफ की है उतनी ही दूरी पे, और जितनी दूरी पे एफ है उतनी ही दूरी पे एक और पॉइंट है सी, जिसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और इसकी दूरी को यानी पी से लेके सी तक की दूरी को आर्च डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसे बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हिंदी में वक्रता त्रिज्या, क्या बोला जाता है, वक्रता त्रिज्या। कहने का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब क्या है कि बच्चों ये एक रेडियस का काम कर रहा है, क्योंकि रेडियस ही तो पूरा क्या क्रिएट करता है, सर्कल क्रिएट करता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि भाई आर क्या है, एफ क्या है, ठीक है, और फोकस क्या है, सी क्या है, पी क्या है। अब रेडियस में और फोकल लेंथ में रिलेशन, तो याद रखना बच्चों मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई एफ इतना बड़ा, और जितना बड़ा एफ है उतना ही सी एफ भी है, मतलब जितना बड़ा पी एफ है उतना ही बड़ा सी एफ है, तो इसका मतलब पी से लेके सी तक क्या हो गया, इसका डबल हुआ कि नहीं हुआ, डेफिनेटली हुआ। अरे भाई ये एफ है और उतनी ही दूरी ये भी है, तो यानी ये भी एफ, ये भी एफ, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया आर, यानी दो एफ मिलके एक आर बन रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं आर बराबर हो गया 2F, हाँ कि ना, ठीक है। तो यानी आर बराबर क्या हो गया 2F, लेकिन अगर मुझे खाली एफ निकालना है तो आर यहां 2 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो बच्चों आर क्या होता है, आर होता है फोकस का डबल, जबकि फोकस क्या होता है, रेडियस का हाफ। तो जल्दी से नोट की कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, इसके बाद मैं आपको करवाऊंगा रूल्स ऑफ कनकेव मिरर। चलिए देखेंगे, चलिए अब लिखेंगे रूल्स फॉर कनकेव मिरर।
रूल्स फॉर कनकेव मिरर, हिंदी वाले, अवतल दर्पण के लिए नियम, अवतल दर्पण के लिए नियम, अवतल दर्पण के लिए नियम। हां जी, तो रूल नंबर फर्स्ट बच्चों, पी एफ सी, रूल नंबर पहला। ये रूल कई बार एग्जाम में आए हैं कि मान लीजिए कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के पैरेलल आ रही है। क्या रही है? पैरेलल। तो बताइए टकराने के बाद कहां से मुड़ेगी अगर मिरर से टकरा जाए, क्योंकि भाई मिरर के साथ तो रिफ्लेक्शन कर रहा है, तो कह रहा बताओ टकराने के बाद कहां से मुड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये अगर टकराएगा तो फोकस से ही मुड़ेगा हर हाल में। तो अगर कभी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो टकरा के हर हाल में किससे मुड़ेगा बच्चों? हर हाल में फोकस से ही मुड़ेगा। ये रूल नंबर फर्स्ट कहता है। बच्चों रूल नंबर टू, कि मान लो पहले रे पैरेलल गया था किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन अब की बार रे गया ही फोकस से है, तो क्या होगा? डायग्राम आपको यह दे दिया जाएगा, बस आपको बोला जाएगा कि इसे आगे बढ़ाओ, यानी इसे कंप्लीट करो। तो आपको क्या देखा? आपने देखा कि हाँ भाई फोकस से रे जा रही है, और आपको पता कैसे चला फोकस से जा रही है? क्योंकि एरो बना हुआ है। एरो बनाना बहुत जरूरी है बच्चों, और एरो हमेशा याद रखना है बनाने का। अगर एरो भूल गए तो बस नंबर गए, चाहे डायग्राम आपका कितना भी सही हो, अगर आप एरो भूल गए तो भैया आपका डायग्राम गलत साबित हो जाएगा। तो ये यहां से एफ गया और टकरा के बच्चों ये क्या हो जाएगा? पैरेलल। जब पैरेलल गया तो फोकस से, तो इसलिए जब फोकस से जाएगा तो क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर बच्चों तीन, रूल नंबर तीन। हां जी, पी एफ सी, रूल नंबर तीन, कि अगर सी से रे चली जाए तो क्या होगा? ऐसे आपको डायग्राम दे दिया गया है, कह रहा बताओ कंप्लीट करो इस फिगर को। तो बच्चों कुछ है ही नहीं इस फिगर में, सी से जैसे जाता है वैसे ही वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों वो सेंटर है, और मैंने आपको क्या बताया था, सेंटर से कोई भी चीज जाएगी तो मतलब अभिलंब, मतलब नॉर्मल, तो वहीं से वहीं, नो रिफ्लेक्शन, जीरो रिफ्लेक्शन। तो बच्चों सी भी इसी तरीके से है कि अगर सी से कोई रे जाए तो टकरा के वहीं से क्या आ जाती है? वापस आ जाती है। रूल नंबर चार, ये जरूरी नहीं है बस पढ़ाने, ये एक फॉर्मेलिटी इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये आज तक इस चार वाले का फायदा दिखा नहीं। पी एफ सी, लेकिन अब की बार मान लो भाई रे सीधा कहां से चली गई? पी से चली गई, तो क्या होगा? ये इसको नॉर्मल मान लेगा, और बच्चों यहां बनाएगा एंगल आई, और जितना एंगल आई होगा वहीं से इसको कर देगा ट्रांसफर, और ये एंगल आर। तो ये फिगर इतनी जरूरी है नहीं, बस पढ़ाना था तो इसलिए पढ़ा दिया। बाकी ये तीन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से उतार लो। ठीक है, ये उतारो, फिर आपको केस करवाता हूं मैं। नोट कर लिया होगा बच्चों, अरे बच्चों एक गड़बड़ हो गई, प्लेन मिरर के अंदर ही एक टॉपिक रह गया है मुझसे। ठीक है, वो मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, तो उसको बच्चों कहीं एडजस्ट करके लिख लेना, सॉरी बच्चों गलती हो गई मुझसे। ठीक है, वो मेरे माइंड से निकल गया एकदम से, कि हाँ वो पढ़ाना था, मेरे माइंड से निकल गया। ठीक है, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, अगर स्किप कराने लायक होता तो करा देते, लेकिन स्किप कराने लायक नहीं है, 1% के लिए भी उसे स्किप नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों सॉरी, मुझे अचानक से याद आ गया। ठीक है, और अब आपको मैं वो करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं केस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उसे प्लेन मिरर वाले टॉपिक में ही लिखना जो मैं समझाऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं क्या वो लिखवाने का है। ठीक है, अभी फिलहाल केस कर रहे हैं, तो केस तो लिखेंगे केसेस फॉर, इमेज केसेस फॉर कनकेव मिरर, इमेज केसेस फॉर कनकेव मिरर, हिंदी में अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए स्थितियां। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
पी एंड एफ। जब वस्तु को पी और एफ के बीच रखा जाए, पी और एफ के बीच रखा जाए, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास कनकेव मिरर हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहां रखने के लिए बोला है? पी और एफ के बीच। तो मान लीजिए, अब बीच का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल बीचों बीच ही करो, कहीं भी रख सकते हो पी और एफ के बीच, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी, मतलब ए बी ऑब्जेक्ट हो गया। बच्चों ये गई रे, और आपको तो पता ही है पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई सी भी रे जाएगी, कहां से गुजरेगी? टकरा के फोकस से गुजरेगी। अब इसको आगे बढ़ाओ, अब देखो एक रे जाएगी किससे? टकरा के एफ से, और दूसरी रे बच्चों जाएगी सी से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर सी से रे लेके जा रहे हो, अगर सी से रे लेके जा रहे हो तो ए को टच करते हुए लेके जाना है, ये बात ध्यान रखना, ए को टच करते हुए। अगर ए को टच करते हुए नहीं लेके गए तो फिगर हो जाएगी गलत, फिगर क्या हो जाएगी? गलत, ठीक है। कहीं तुम ऐसे सी से लेके जाओ और उधर कर दो, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं कर देना बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, वरना 101% गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों ए से टकराते हुए ही लेकर जाना, और ये देखो आगे कहीं भी नहीं मिल रही, तो ये टकरा के वापस, ठीक है। एरो हाथों हाथ बनाना है। अच्छा अब बच्चों एक बात याद रखना, एक बात आपको बताता हूं, अगर आपसे मान लीजिए ये 2009 और 2010 का क्वेश्चन है ये, कि कोई भी इमेज बनाने के लिए, कोई भी इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितने रेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, न्यूनतम कितनी किरणों की आवश्यकता होती है, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। हाउ मेनी रेस इज कंपल्सरी, हाउ मेनी रेस इज कंपल्सरी फॉर इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता होती है, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होती है। तो अगर मिनिमम की बात पूछे तो दो, और मैक्सिमम की बात पूछे तो जितनी मर्जी, इन्फिनिटी, कुछ भी, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, कोई भी इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे की जरूरत पड़ती है, कम से कम कितने रेज की जरूरत पड़ती है? दो रेज की, दो किरणों की। तो बच्चों ये दो किरणें भाई टकरा के यहां निकल गई, ये टकरा के यहां, क्या कहीं पे भी मिल रही है? नहीं मिल रही। लेकिन अगर बच्चों मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं तो बच्चों ये मिल गई, अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या हो गई बच्चों? मिल गई। तो ये इमेज बन गई ए डैश बी डैश, और इमेज के बारे में अब हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और यहां पर हम इमेज के बारे में लिखेंगे, इमेज की प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रतिबिंब का गुणधर्म लिखेंगे कि कैसा प्रतिबिंब बना। पहला, हां जी, इमेज कहां पर बना? इमेज भैया मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। पहली बात कि हां जी इमेज कहां बना? मिरर के पीछे बना, ठीक है जी। दूसरा, हां जी दूसरा कैसा बना भाई? ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा है, मतलब हाई, यानी कि मैग्नीफाइड बना, मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ा बना, ठीक है, अत्याधिक बड़ा या बहुत बड़ा, ठीक है। और तीसरा, अभी अभी आपने प्लेन मिरर में पढ़ा कि प्लेन मिरर में जब इमेज मिरर के पीछे बनी तो कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्या ये इमेज भी मिरर के पीछे बनी है? जी बिल्कुल। तो अगर इमेज मिरर के पीछे बनी है तो वो ऑलवेज क्या होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ध्यान रखना बच्चों कि जब भी मिरर के पीछे भी इमेज बने, मिरर के पीछे इमेज बने तो वर्चुअल इरेक्ट होता है, आभासी और सीधा, ठीक है। केस नंबर दो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब वस्तु को एफ पर रखा जाए। छह केस हैं इसके, जिसमें से दो आज कराऊंगा, रखा जाए। चलिए बच्चों सेकंड केस, पी एफ
सी ये रख दिया हमने एफ पर ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, ए ए और ये बी। बच्चों ये गया ऐसे इमेज और टकरा के ऑलवेज कहां से जाएगा, एफ से, एरो हाथों हाथ बनाएंगे। अब ये थोड़ा सा दूर हो गया बच्चों, यहां रहेगा अब जाएगा, अब ठीक है, ठीक है, टकरा के वापस। अच्छा तो बच्चों आप क्या देखोगे, आप देखना कि ये आगे बढ़ाओगे तब भी नहीं मिलेगा और पीछे बढ़ाओगे तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा जाता है तो हमेशा दो रेज कभी भी आपस में मिलती ही नहीं, ये दोनों रेज हमेशा कहां पे मिलती है, इन्फिनिटी लेवल पे। और इन्फिनिटी कितना बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा होता है, हमें क्या पता कहां पर होता है इन्फिनिटी। तो यानी ये बात याद रखना बच्चों कि जब कोई रेज आपस में मिले ही ना तो बस समझ जाओ कि वो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है, और जब मिल ही नहीं रहा है तो कहां पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर। और इन्फिनिटी कैसा होता है, कितनी दूर होता है, कितना बड़ा होता है, इसका एक ही आंसर है, बहुत दूर होता है, बहुत बड़ा होता है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो बस इसके इमेज के बारे में अगर हम चर्चा करें, इमेज के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करें, तो पहला पहली बात, बना कहां भाई, इस वाले में मिरर के पीछे बना था, लेकिन इस बार मिरर के क्या बना है, सामने, इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर एट इंफिनिटी। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि मिरर के सामने तो बना लेकिन मिला कहां जाके, इंफिनिटी पर, ठीक है, दर्पण के सामने लेकिन अनंत पर, लेकिन अनंत पर। दूसरा, हाँ जी, कैसा बना भाई, हाईली मैग्निफाइड बना, हाईली मैग्निफाइड बना, मैग्निफाइड, अत्याधिक बड़ा, अत्याधिक बड़ा। क्यों बोला बच्चों मैंने ऐसा, क्योंकि हमें क्या पता इन्फिनिटी कितना बड़ा है भाई, इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा होता है। अच्छा अब थर्ड भाई, इसमें मिरर के पीछे बना था इसलिए वर्चुअल डायरेक्ट, लेकिन इसमें मिरर के सामने बना है तो इसलिए क्या होगा, रियल एंड इनवर्टेड, मतलब वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। तो बच्चों ये दोनों थे डायग्राम जिसको आपको फटाफट जल्दी से नोट कर लेना है, बाकी के चार डायग्राम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। और लेटरल इन्वर्जन भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, फिलहाल आज की क्लास यहीं खत्म करवा रहा हूं, ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और नए फिगर्स के साथ। और बच्चों इसके अंदर ये जितनी भी चीजें मैं आपको करवाई हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एरोज, सभी बच्चों को एरो का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि अगर एरो गलत हुआ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। दूसरा कि भाई आपको इसमें हर बात का ध्यान रखना है कि पी पे, ये एफ पे रखने पे क्या हो रहा है, पीएफ पे रखने पे क्या हो रहा है, फिर कल मैं, अगर अब कल मैं करवाऊंगा सीएफ के बीच में रखने पे क्या हो रहा है, सी पे रखने पे क्या हो रहा है, सी से पीछे रखने पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे रखने पे क्या हो रहा है, तो इस तरीके से चार पांच केस और हैं। तो ये सारे केस पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, लेकिन बच्चों इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। वीडियो को एक बार, दो बार, 10 बार, जितनी बार भी देखिए, लेकिन देख के अच्छे से समझिए। बाकी अगर कोई डाउट आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बाय।